दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण सुखदेव चौधरी। हम थोड़ा सा गुणनीति में लेट हो रहे हैं फिजिक्स में, कारण ये सर्किट के टॉपिक मेरे प्रिय टॉपिक है, सूट मुझे ही करना है, लेकिन इंद्रव्यस्तता के कारण थोड़ा लेट हो गया। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट शूट कर रहे हैं, जो 30वां गुणनीति है। ये दोस्तों हकीकत में अपलोड होना चाहिए था 21 जनवरी को, बट आज हम है 27 जनवरी में। हम दो तीन लेट है गुरुनीति, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब टाइम पे देख घबराओ मत आप लोग। तो आज हम लोग 27 जनवरी को शूट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट, जो एक्चुअल में अपलोड होना चाहिए था बहुत पहले, 21 को अपलोड होना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं, हम फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका सारा मेंटेन कर देंगे। शुरू करें, ओके सर। तो अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 गुरुनीति है, एक अपलोड हो चुका है, एक आज हो रहा है, एक आपका कल हो जाएगा। ओके शुरू करें बेटा। वो कहता है करंट की इक्वेशन है 0 से 2 सेकंड के बीच इसमें चार्ज कितना है, तो वो आपका इंटीग्रेशन। तो सीधी सी बात, डियर आई इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt। तो आपका dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई dt। और क्या कर दो भैया, इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से q, कहां से कहां, 0 से 2। अगला क्या कह रहा है, 0 से 2। व्हाट इज आई, आई है 3t² प्लस 2t प्लस 5। पेज खाली करो और बेटा। तो ये आपका आई का इक्वेशन है, क्या 3t² प्लस 2t प्लस 5। इनको मिटा देते हैं अपन, इसका अपन इंटीग्रेशन करें। तो आपके सामने ये कौन है, dq, कहां से कहां बोलना भाई, 0 से 2। आप इस उनके पुत्र बोलो 3t² प्लस 2t प्लस 5 मल्टीप्लाई किया पुत्र dt, ये 1 हो जाता है, अपन जानते हैं कि 0 है, ये q है, ये अपना क्या हो गया, कैपिटल q। अब देखिए 3t² क्या हुआ, 3t³/3। ध्यान दें, एक बार फिर रिपीट कर दूं, x की पावर n का इंटीग्रेशन है xn+1/n+1। ओके डियर, प्लस 2t² / 2 और ये तेरा 5t, कहां से कहां, 0 से 2। अब अपन जानते हैं इसको बोलते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये हमेशा क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सब में टी है, लोअर लिमिट 0 है तो खत्म हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल, टी की पावर क्यूब तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर² 5 × 2, ये कितना है 8, ये कितना है 4, ये कितना है 10, कितना हो गया तेरा ये 22। ओके क्वेश्चन माना भैया, तो आपका आंसर हो गया 22। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट सर। चार क्वेश्चन, देखो ये प्रश्न नहीं अपने आप में, ये इंटीग्रेशन एग्जांपल है। समाकलन करना आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन को रोक के आप एक बार इंटीग्रेट करें। एक सीमा होती है, इस तरह से पेश खड़े करना बेटा जी, ऐसे 0 से मान लो 2, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट, और फिर वैल्यू पुट करने के बाद अपर माइनस लोअर कर देना। ये अब देखो, यदि आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना भाई, तो चाहे कोचिंग बदल ले, चाहे टीचर बदल ले, चाहे किताब बदल ले, क्या पड़ता है उससे। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, सुधीर सर ने देखा कि खुद को टाइम देते नहीं, वो एक साथ सिलेक्शन नहीं होगा, कोचिंग बदल लेंगे, या किसी कोचिंग पढ़ रहे हैं तो ये सर ठीक पढ़ाते हैं, वो सर ठीक पढ़ाते हैं, खुद बेटे फड़ी फोड़ेंगे नहीं। अरे सर सारे ठीक होते हैं भाई, मैंने तो अपने ऊपर नहीं होती है। आगे चले आओ, सेकंड क्वेश्चन क्या हो, 37। हाँ भाई, ये 37 क्यों है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 गुणनीति है, तो फर्स्ट के लिए बने 35, तो संख्या स्टार्ट वहां से किए। फिर तेरा क्वेश्चन आ गया, तेरा बड़ा क्या, एक वायर का अल्फा कितना पुत्र, अल्फा इक्वल टू 0.00125 डिग्री पर सेल्सियस, 300 केल्विन पे कितना प्रतिरोध है, 1 ओम। तो किस टेम्परेचर आपका प्रतिरोध कितना होगा, 2 ओम। तो ये याद करो, ये फॉर्मूला होता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस α dt, RT इक्वल टू R0 प्लस α dt, RT माइनस R0 इक्वल टू R0 α dt, दिस इज डेल्टा आर। ओके दिस इज डेल्टा आर, तो अल्फा R0 dt, डेल्टा आर क्या है, 1 ओम से कितना हो गया 2 ओम, तो कितना हो गया 1। अल्फा कितना है 0.00125, R0 इनिशियल, R0 मतलब वैल्यू ऑफ इनिशियल कितना भैया 1 है, dt फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, व्हाट इनिशियल 300 केल्विन। हमें क्या निकालना है, फाइनल निकालना है, तो अब तेरे सामने है, इसको इधर लिया तो इधर लाएगा क्या हो गए 0.00125
इक्वल टू टी फाइनल माइनस 300, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, इसको तो 100 डिवाइड 125 कितनी बार जाएगा? 800 बार जाएगा। तो तेरे सामने कितना आया? 800 प्लस 100 t फाइनल माइनस 300, तो दिस इज t फाइनल क्या आ गया? 1100 केल्विन। क्वेश्चन आ गया बेटा जी, आंसर क्या हो गया? 1100। सिंपल सी बात है भाई, 100 का भाग 10 बार जाता, 25 का भाग 8 बार, तो 800 हो गया। तो आपके सामने यहां भी एक नई बात आ गई, rt इक्वल टू r नॉट 1 प्लस अल्फा d। ये जानते हो क्या है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होती है, हीट पैदा होती है, हीट से उसका टेंपरेचर बढ़ता है और टेंपरेचर बढ़ने से उसका r बढ़ता है, जिसको बोलते हैं ना उष्मा का तापीय प्रभाव, सॉरी उष्मा का, सॉरी धारा का उष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके डियर, आगे चलो फिर अपनी बात कोई आगे ट्रिप रोशनी की। आई इक्वल टू क्या है? NEAVD, जो क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक सेल ऑफ MFE इज कनेक्टेड अक्रॉस ए कॉपर वायर ऑफ डायमीटर डी लेंथ एल, द ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन वायर इज VD, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज टू 2L, द न्यू ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉपर वायर विल बी। भैया सिंपल सी बात है, जैसा कहता वैसे वैसे करते जाओ। अगला साहब कहता है अगर चेंज करो तो कहते इसका लेवल, अगला पूछता क्या तेरे से, न्यू VD पूछ रहा है क्या, तो न्यू VD क्या होगा? INEA। अब देख एक सेल है, उसका ई है, तांबे के तार का व्यास डी है और लंबाई एल है, तार में इलेक्ट्रॉन का अनुवेग, तार की लंबाई डबल कर दी जाए और तांबे के तार में इलेक्ट्रॉन का केवल आपने लेंथ डबल की है, बिल्कुल आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एल डबल की आर डबल हुआ, आर डबल हुआ तो आई आधा हुआ, आई आधा हुआ तो बीडी भी आधा हो गया। किसी बात कर दिया एन चेंज नहीं क्या लेनी, ई चेंज नहीं किया अगले ने, ए चेंज कर नहीं रहा अगला, केवल तो को बात को पकड़ना, एल चेंज किया, एल से आर चेंज हुआ, आर से आई चेंज हुआ। तो अब इनको पढ़ के छोड़ दो, कुछ नहीं वाला है, बच्चे क्या करते सुखदेव जो सफल अनुभव किया है ऐसे पढ़ के छोड़ देते हैं। कैसे हो भाई, कॉपी पेन लो, आप जैसे जैसे कहता न्यूमेरिकल्स को करो, पहले भाई थोड़ी पढ़ो, थोड़ी के बाद न्यूमेरिकल डालो। आ जा अगले क्वेश्चन पे चल, ये तो अब क्या बताऊं इसमें। तो अगला साहब कहता है कार्बन के वो कोड है, तो कोड क्या क्या है, पहले क्या है रेड ब्राउन ऑरेंज और सिल्वर, तो ये तो कलर कोड के बारे में आपको कोई बात नहीं करेंगे, वो तो 10 कोड होते हैं याद रखने होते हैं, इस पे तो आप बताओ क्या बात करनी है, मुद्दा ही नहीं। आगे चलो, ये बहुत सेक्शन है, वो कहता है जिसे वायर दिए हुए हैं समान पदार्थ के हैं, इसका मतलब रो सेम है, ताप समान है, अधिकतम प्रतिरोध किसका होगा, तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अच्छा आंसर रेडियस दिया अगले ने, रेडियस दिया है तो पाई आर स्क्वायर को एल आर स्क्वायर, सीधी सी बात है, जिसका एल मैक्सिमम हो और आर मिनिमम हो, एल बाई आर स्क्वायर मैक्सिमम हो, तो कौन सा हो रहा है देख लो भैया, चेक करेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। अब ये चेक करना होगा, इसमें कोई क्वेश्चन की वैल्यू नहीं है, ना कोई आपके ज्ञान की वैल्यू है, वैल्यू किसकी है, ऑब्जेक्ट की है इसमें। भाई सिंपल सी बात, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, अगला साहब कहता है मटेरियल सेम है, रो खत्म हो गया, ए नहीं दिया, एरिया दिया तो ए रिप्लेस बाई पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर आ गया, तो एल अपॉन आर स्क्वायर जो ज्यादा है उसी का आर ज्यादा है। आगे चलो भैया, वो दोस्तों किसी वायर का प्रतिरोध आर है, उसको खींच कर, ये पहले बढ़ा चुके वीडियो में, यदि किसी वायर की लेंथ को खींच के गुणा कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस एंड स्क्वायर गुणा बढ़ जाता है। यहां दोस्तों तार की लंबाई को खींच के आपने कितना गुणा किया, दुगुना किया, तो वायर प्रतिरोध कितना हो गया, चार गुना। फिर सुन लो, किसी भी तार को खींच कर स्क्रेच करके लंबाई को एन गुना कर देंगे तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, क्यों, आप उसको खींच के लंबाई बढ़ा रहे हो बट बिना कहे तार की मोटाई भी तो कम होगी, ये कॉमन सेंस की बात है। ऐसे प्रश्नों में क्या होगा, वो कहेगा मास समान है, वायर वही है, वही वायर है, वायर पे होना बहुत जरूरी है, कि वायर यदि उसने जोड़ दिया लंबाई दुगनी कर दी लेकिन जोड़ के लंबाई दुगनी की है तो ए चेंज नहीं होता है। ये चिंगम है, जैसे चिंगम को खींच रहे हैं ना तो चिंगम पतली भी हो रही है और लंबी भी हो रही है। चल आगे डियर, ये देख सुखदेव पुत्र कितना प्यारा प्रश्न है, वो कहता ओम के नियम को प्रूव करने वाला सबसे पहले कौन है, तो देखो दोस्तों ये इसलिए नहीं है क्योंकि वोल्टमीटर श्रेणी क्रम में है, ठीक है, ये
ये वोल्टमीटर श्रेणी क्रम में होता है, सिद्धांत क्लास एग्जाम बोर्ड में। एमीटर लगता है सीरीज में, वोल्टमीटर लगता है पैरेलल में। एक बात और सुन लो, आइडियल एमीटर का प्रतिरोध जीरो होता है एमीटर का, और आइडियल वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये खास बात सुनना। ओके डियर, अब आप इसमें देख लो कि आप क्या कहना चाहोगे। अब इसमें ये सही करूं मैं तो दोस्त, यहां एक करंट चली तो जो करंट इसमें बह रही है उसको तो मेजर करेगा नहीं, नहीं। इसलिए आपका ये वाला सही है, ये वोल्टमीटर और यहां पर एमीटर। ये एमीटर श्रेणी क्रम भी, आप खुद कह रहे हो वोल्टमीटर श्रेणी क्रम भी है, लेकिन यहाँ एमीटर लगा हुआ है, इस भुजा में बहने वाले करंट को मेजर ही नहीं। यहाँ क्या होगा, देखो करंट चली ऐसे, करंट चली, पूरा साफ कर लो, करंट चली ए वापस, देखो ये किस पे आ गई, और ये वोल्टमीटर, तो यहां भी वही है, यहां भी वही है, जो पैरेलल क्रम में श्रेणी क्रम में करंट, सीरीज में करंट समान है, पैरेलल वोल्टेज डिफरेंस समान है। आगे चल पुत्र, ये फिर पदार्थ का क्वेश्चन आ गया। वो कहता टू वायर ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब वो क्या हुआ, सेम है, एल टू एल है, फोर ए ए है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट 1:1, 1:1, 1:2, 1:1, 1:2। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाँ 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 हाँ, बहुत सोना रहा। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो लगता है कि रो इक्वल टू आर ए बाई एल, लगता है कि ए और एल पे रो, ऐसा नहीं है, रो पदार्थ की प्रकृति है, रो पदार्थ की प्रकृति है, नेचर मटेरियल नहीं बदलेगा, तो रो नहीं बदलेगा, नहीं बदले। एल का ए का रो से कोई संबंध नहीं है, कि रो की परिभाषा क्या है, यूनिट एरिया, और यूनिट लेंथ का जो पदार्थ है उसी का जो रेजिस्टेंस है उसी का नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इसलिए इसमें एल और एल तो परिभाषा के अंदर प्रतिबंधित है, रेस्ट्रिक्टेड है वो। आगे चलो, फिर कलर कोड आ गए, तो कलर कोड में ये व्हाइट है, ब्राउन है, रेड है, सिल्वर का टॉलरेंस होता है। तो कलर कोड की बात हम नहीं करें, कलर कोड सब किताब में पढ़ ले जाते। आगे चलो, ये देखो अब सर्किट शुरू होता है, आज रियल में सर्किट की प्रॉब्लम अब शुरू होती है, और पेन हम बहुत कम चलाएंगे भाई। क्या कहता पुत्र, 2 किलो ओम प्रतिरोध में इसमें बहने वाली करंट बतानी है। देख ये तो रखा पेन खुद पुत्र, 4 और 2 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, सीरीज में है, 4 और 2 कौन सी, सीरीज में, तो 4 और 2 क्या हुए, 6 और 3 से कौन से क्रम में है, समांतर में, तेरे लिए पेन चला रहा हूं, तो समांतर क्रम तू जानता क्या होता है, मैंने तो मुझे पता इसका उत्तर तो आएगा R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 6 प्लस 3 अपॉन 6 प्लस 3 18 बट्टे 9 कितना हो गया, 2। तो देख 4 और 2 6, 6 और 3 2, 2 और 4 6, 2 और 6 8, 2 और 6 8। ओके V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वी बोले तो बेहतर, आर बोले तो 8 किलो, ये कितना हो गया 9, आई इक्वल टू 9 मिली एम्पियर। अब यहां से करंट 9 मिली एम्पियर, अब 9 मिली एम्पियर के सन 2 रास्ते हैं, एक 6 का एक 3 का, 9 मिली एम्पियर करंट जा रही है, एक रास्ते में 3 ओम है, एक में 6 ओम है, वी दोनों का समान है, तो कॉमन सेंस का 3 में तो डबल जाएगा और 6 में आधा जाएगा, तो दोस्तों इधर तो जाएगा इसका 6 मिली एम्पियर, इधर जाएगा आपका 3 मिली एम्पियर। पूछा किसमें है, 2 में, आंसर क्या आ गया 3 मिली एम्पियर। ये खाली करना भाई, देखो डियर एक बात सुन लो यार, ध्यान से लो, जहां तक मेरे पास एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ये आर और आर जब होते हैं इधर भी करंट आई बाई टू हो जाएगी और इधर भी करंट आई बाई टू हो जाएगी। वैसे फॉर्मूला होता है इसका बाकायदा, आई वन डिवाइड कैसे होती है, आई टू डिवाइड कैसे होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखना पुत्र, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, यहां माना कि आर है और यहां माना कि 2R है और यहां करंट मान लो 3 एम्पियर है, इधर जाएगी 2 एम्पियर, इधर जाएगी 1 एम्पियर। किसी बात बस 2 एग्जाम्पल है भाई, सब पूछ लो आप इधर आया कैसे, तो इतना तो हम गुरु नीति को ऐसा मान के पढ़ाते हैं कि पहले से आपका टॉपिक पढ़ा हुआ है, आप पहले किसी कोचिंग में पढ़े हुए हो। दोस्तों दिस इज आई वन, दिस इज आई टू, तो आई वन निकालना हो ऊपर क्या आएगा, आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाई आई, और आई टू निकालना हो ऊपर क्या आएगा, आप बोलो R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई।
आई वन निकालना हो तो आर टू में अपॉन का भाग कर दो, आई टू निकालना हो तो आर वन भाग कर दो, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला काम नहीं आता है, करंट या तो डिवाइड होगी एक अनुपात एक में, या डिवाइड होती है एक अनुपात दो में। मेरे इसके अलावा क्वेश्चन पिछले 24 साल में मेडिकल आज देखा नहीं, दो मेरा ओपन चैलेंज है अभी नहीं आगे मेडिकल में, या तो एक अनुपात एक डिवाइड करना है, एक अनुपात दो डिवाइड करना। चलो भाई आगे चलो, वापस आना क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन आना, तो ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया था। रिपीट करता हूं, ले बोल, चार और दो छह और तीन नौ, दो सॉरी छह और तीन दो, दो और छह आठ, V इक्वल टू आई आर आठ मिली एम्पियर, आठ के सामने एक रास्ता छह का, एक रास्ता तीन का, तो छह को डिवाइड करके अनुपात दो में, दो अनुपात एक, इधर कितनी आएगी दो, इधर कितनी आएगी इसमें आएगी छह, इसमें तीन, तीन तो आ गया बोलो, है ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलो, ये देख इसको एक काम कर, इसने पूछा पाठांक क्या मीटर का, तो सुनो फिर एक मिनट में क्या करता हूं, उस क्वेश्चन को ऐसे कर लूंगा, देखो ध्यान दूंगा, देखो एक आर को ये है, एक आर ये जो ऊपर का आर इसको नीचे पटक लो, दो से क्या दिक्कत है भाई, तो ये दो ये दो ये दो एक ही बात है, इसको नीचे पटक लिया तो दो 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 कौन से क्रम में, पैरेलल, हम बात कर चुके तो आर 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 पैरेलल क्रम में होते हैं, तो आर पी की वैल्यू क्या होती है आर बाई एन, तो ये पूरा दुकान क्या हो गया दो बटा तीन, खाली करने के ये एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन दिखाना, क्वेश्चन दिखाना बेटा वापस लगा दे, ये क्वेश्चन है, दो ओम दो ओम दो ओम दो ओम बैटरी भी दो ओम, दिखाना क्वेश्चन दिखाना, हटा वापस बस। अब देखो ये दो 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 कौन से क्रम में हो गए पैरेलल, ये बस ये दो ही, ये पुत्र बोलना क्या है टू बाई थ्री, ये टू तो तेरा आर कितना हो गया टू प्लस टू बाई थ्री, यस यस टू प्लस टू बाई थ्री, ये थ्री सिक्स बाई टू एट बाई थ्री, वी इक्वल टू क्या पुत्र बोल आई आर, आई इक्वल टू क्या होगा वी बाई आर, वी क्या है दो, आर क्या है आठ बाई तीन, छह बटे आठ बोल तो तीन बटा चार बोल, उसे निकाल ले भैया थ्री बाई फोर बोल, सेकंड ऑप्शन। तो देखो इसमें रिजल्ट आर भी आ गया, आर के बाद करंट भी आ गया ना, साइन आ गया इसके अंदर, ये वो न्यूमेरिकल्स है जो एग्जाम में आते रहते हैं। आगे चलो भैया, ये है जान तो यार, मैं इस न्यूमेरिकल को आपके सामने हाथ से बनाता हूं, ये वायर है ये बैटरी है, ये वायर है ये बैटरी है ये वायर है, आपके सामने हाथ से स्ट्रिप बना रहा हूं ताकि आपको लगे बन क्या रहा है, सिक्स ओम टू एम्पियर बारह वोल्ट नौ ओम चार वोल्ट पांच ओम, पेज खाली कर दिया। ये कहता ए और बी के बीच अब स्पष्ट है जब सुखदेव पुत्र करंट इधर जा रही है, तो ये किस पे है हाई वोल्टेज पे है, और ये किस पे है लो वोल्टेज, स्टार्ट हो यहां से, तो सबसे अधिक वी ए माइनस करंट के साथ चलते हो, फिक्स फंडा है करंट के साथ चलते हो, इसका मतलब हाई वोल्टेज से लो माइनस, कितना माइनस छह गुणी बारह, बैटरी प्लस से माइनस जा रही है इसका मतलब भी माइनस, माइनस यहां तेरा नौ दुणी अठारह, ये माइनस से प्लस प्लस चार वोल्ट, और ये तेरा माइनस दस माइनस इक्वल टू, तो वी ए माइनस वी बी टू करेगा तो बारह बारह चौबीस चौबीस दस चौतीस चौतीस चौबीस अठारह बावन बावन चार गए कितने बचे अड़तालीस, आंसू क्या अड़तालीस, एक बार रुक जा क्लास, ये है रियल क्वेश्चन। ए से करंट चली छह वोल्ट ओम, वी इक्वल टू आई आर बारह, बट कौन सा माइनस, क्यों करंट की दिशा में, करंट हमेशा बहता हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, बैटरी में प्लस ये क्या होता है हाई वोल्टेज होता है, ये क्या होता है लो वोल्टेज, ये क्या है तो हाई से लो का मतलब कमी और लो से हाई का मतलब किसी किसी बात है, तो ये एक अल्टीमेट न्यूमेरिकल है, इसको एक बार नहीं दो बार कर ले हाथ से भाई पट ठोक दे किसी बात है। आगे चलो भैया, फिर आया ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, हमने कहा था कि कैपेसिटर में डीसी नहीं बहती,
क्योंकि कैपेसिटर का जो एक्स सी है वो होता है 1/2πfc। डीसी का एफ क्या होता है? 0। तो डीसी के लिए एक्स सी की वैल्यू क्या होती है? अनंत। यानी कैपेसिटर कहीं लगा हुआ है तो वहां डीसी नहीं बैठती है। अब देख, ये तेरी बैटरी है, एक करंट यहां जाएगी, एक करंट यहां जाएगी, एक करंट यहां जाएगी, यहां कोई करंट नहीं चलेगी। अब इसमें कुल कितनी करंट चलेगी? तो देख पुत्र, यहां भी क्या है? 6 वोल्ट। यहां भी क्या है? 6 वोल्ट। यहां भी क्या है? 6 वोल्ट। बोलो बोलो, ये 6 वोल्ट है ना, तो इसके पैरेलल तो 6 6 6 6 v = IR, I = V/R, तो 6/1, यहां 6, यहां कितना? 3, यहां कितना? 2, यहां करंट नहीं, तो यहां कुल करंट कितनी बहेगी? 6 3 9 9 2 11 11 एम्पीयर करंट यहां से रवाना हो रही है। ठीक है ये? अब देख यहां भी कितना वोल्ट है? 6, तो इस पे Q बराबर क्या होगा? CV। C कितना है? 5.5, वो कितना है? 6, तो this is 3 microcoulomb, तो करंट तो है 11 और वो है 3 microcoulomb, आंसर क्या होगा? चौथा होता है। रुक जाओ, एक बड़ा कनेक्शन है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, बट ये पूरा का पूरा 6 वोल्ट हमेशा इन सब के टर्मिनल्स पे आएगा। तो यहां भी क्या 6, तो यहां पर भी क्या है? 0 है, तो पूरा का पूरा 6 किस पे आ गया? इस पे आ गया। क्यों आ गया? क्यों आर में तो करंट नहीं है ना कोई, तो करंट नहीं है, V = IR, I = V/0, तो पूरा का पूरा 6 किस पे आ गया? इस पे। उसका आंसर आ गया 3 microcoulomb। फिर कुल कितने करंट चली तेरे सामने? सामने 11 आंसर निकाल दिया अपन। आगे चलो, फिर वही बात आ गई, ये कैपेसिटर है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं है। आज कोई कहता है कैपेसिटर पे बताओ चार्ज कितना है? अब ये आज के क्लास का श्रेष्ठ क्वेश्चन आया, देख करंट चली यहां से, चलिए V = IR, I = क्या है? V/R। बोल पुत्र बोल, R1+R। इधर कोई करंट नहीं जाएगी, यहां करंट कौन जा रही है? I। अब इसके सिरों पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज इसके सिरों पे आएगा, वो कितना आएगा? V = I। I कितना है? E/R1+R × R1। ये कौन है? V। और जितना भी ये है वो साइज पे आएगा, तो यहां पर भी जाएगा नहीं। अब आपको क्या पूछा है? Q, तो Q इक्वल टू क्या होता है? CV। तो V क्या है? E R1/R1+R × C। तो CER1 सर्किट बहुत इजी है, मैं माफी चाहूं मैं लेट हो रहा हूं इस वीडियो में, लेकिन ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स है, इसलिए सुनते हो कहा कि हम अपने दोनों करेंगे मिलकर, तो लेट तो हो रहे बट मैटर आपको शानदार मिल रहा है इसमें, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ करंट नहीं है तो करंट पूरी यहाँ बह रही है, तो यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो यहाँ आ जाएगा, इस पर भी ड्रॉप होगा नहीं क्योंकि करंट ही नहीं है। आगे चलो, ये फिर देख, देखो ये क्वेश्चन है बड़े प्यारे का, इन न्यूमेरिकल्स की लैंग्वेज को पढ़ो क्या कहता है। वो कहता है दो सेल है, एक E1 है, E2 है, R1 है, R2 है, और तेरे सामने सामने एक का माइनस एक के जुड़ा माइनस से, इसका मतलब एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो E1 E2 से बड़ा है। मैं मेरी क्लास की सुंदर बात बोल रहा हूं, इसका मतलब E1 का डिस्चार्ज हो रहा है और E2 यहां चार्ज हो रहा है, तो E1 का इक्वेशन तो आएगा V = E − IR और E2 का इक्वेशन आएगा V = E + IR। गांठ बंद करने से एक बैटरी दूसरी बैटरी का विरोध जब करती है तो बड़ी बैटरी तो डिस्चार्ज होगी और छोटी बैटरी चार्ज होगी। एक बात आप पूछो, अब वो क्या कहता पुत्र? R1 R2 इसके इंटरनल डिस्टेंस है, तो बाह्य R जो है इसके सिरों पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? माना कि यहां से बड़ा कौन? E1 है ना, तो E1 बैटरी के भांति काम करेगा, ये करंट भैया से बोलना पुत्र करंट कितनी आई है? E1 - E2 R+R1+R2, ये बहने वाली करंट है। अब इसके टर्मिनल्स पे कितना वोल्टेज है वो तेरा क्या होगा? I × R। I क्या पुत्र बोलना? E1 - E2 R+R1+R2 × R। तो E1 - E2 याद रखा तेरा, कुछ नहीं करना, जैसा कहता वैसे वैसे करते जाओ। अगला साहब कहता E1 बड़ा है तो मन E1 - E2 कर दिया, अगला कहता E2 बड़ा है तो E2 - E1 कर दिया। और यहां एक सुंदर बात और भी पूछना चाहूंगा मैं दोस्तों, इसके ऊपर इक्वेशन जो बनेगा ध्यान देना क्लास, यहां को रीडिंग पूछे अगला और यहां को रीडिंग पूछे, फर्क आएगा इसमें। यहां की रीडिंग है E1 - I1 R1 और यहां आएगी
E2 प्लस I1, I तो ही रहेगी, IR2। यहाँ V बराबर E माइनस IR है, R1 जो भी है, और यहाँ V बराबर E2 प्लस IR2 है, क्योंकि ये बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। आगे चले, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे इसका आंसर याद रखो, 1+√3 होता है, चलो कर लेते हैं लॉक को यार। तो दोस्तों क्या होता है, ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है, वो कहता है कि अनंत है, देखो ध्यान से, ये एक सेक्शन है पूरा, ऐसा ये सेक्शन है, ऐसा इसमें ये सेक्शन आएगा, अनंत है। अब देखो ये 1, 2, 3, ये माना इस पूरे का आर है, पूरे का माना कि आर है। अब आर में से मैं इस एक को कम कर दूं तो पीछे बच के उसमें क्या होगा, आर ही होगा, आर ही नहीं। अनंत रुपए तेरे पास है यार, मगर अनंत रुपए मुझे 1 रुपए दे दिया, तेरे क्या पड़ा, कोई बोलो पेज खाली कर ले भैया। तो डीएफ ये ऐसे प्रश्न होते हैं, तो ये वैल्यू क्या है, आर ए और बी के बीच की वैल्यू, ए है ये बी, वन ओम, और इस पूरी दुकान का इसने क्या कह दिया, बचा भी कौन है, आर है, ठीक है। तो डीएफ सुनते हो ऐसे बन गया, ये पूरी बात दोबारा कर देता हूं, ये ऐसे बन जाएगा, ये क्या है वन ओम, ये क्या है वन ओम, ये क्या है वन ओम, ये क्या है आर ओम, और ए और बी के बीच क्या है, बस अब आ जा। तो आर इक्वल टू ये वन, ये वन प्लस आर, ये वन कितना वन, और ये पैरेलल है, तो वन गुणा आर, वन प्लस आर प्लस वन, बोल आया ना, देखो भाई ये वन ये कौन से क्रम में है, पैरेलल, तो आर वन मल्टीप्लाई आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू वन। आगे चल, आर इक्वल टू टू प्लस आर बाई आर प्लस वन बाई आर, वन बाई आर, तो टू प्लस टू आर प्लस आर बाई आर, आर आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टू प्लस थ्री आर, आर स्क्वायर माइनस टू आर माइनस टू, माइनस टू इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक बन गया, पेज खाली कर दे, आर स्क्वायर माइनस टू आर माइनस टू इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्या है आर स्क्वायर माइनस टू आर माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू तो वन है, बी की वैल्यू माइनस टू है, और सी की वैल्यू माइनस टू, जानते हो, हेलो बस। तो तेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन क्या है टू ए, वहां आर है, एक्स बात एक ही है, अब आर लिख ले यहाँ पे, बोल बी का मान क्या, माइनस दो माइनस माइनस प्लस दो हो गया, प्लस माइनस व्हाट इज बी स्क्वायर चार माइनस फोर ए कितना है वन, सी कितना है माइनस टू अपॉन क्या है टू ए, ए कितना पुत्र वन तेरे सामने है टू प्लस माइनस, ये तेरा कितना हो गया 12, हो गया ना 12, 8 और 12। अब देख इधर थोड़ा सा इधर थोड़ा, अब ये तेरा बना 2 प्लस माइनस रूट 12 बटे 2, पूरा कर रहा हूं क्लास के लिए, प्लस माइनस 12 क्या होता है, पूरी बात कर ले 4√3 अपॉन 2, पूरी बात कर दे, छोरे भी क्या रखेंगे यार, रूट 3 प्लस 2, 2 2 कैंसिल कर दे, 1 प्लस माइनस रूट 3, तो एक उत्तर तो है 1 प्लस रूट 3, एक उत्तर तो है 1 प्लस रूट 3, एक है 1 माइनस रूट 3, रूट 3 का मान होता है 1.732, तो एक तो है 1 प्लस 732, एक है 1 माइनस है, आर के माइनस में होता नहीं, इसलिए दोस्तों आंसर क्या आ गया इसका, आर इक्वल टू 1 प्लस रूट 3, थोड़ा सा लगा फास्ट कर दिया होगा, बस करना चाहिए नहीं लिखा जाए तो, ये फिर भी हमने कर दिया आपके लिए, द्विघात समीकरण जो है क्वाड इक्वेशन को हमने सोल्व कर दिया पूरी को। आगे चलो भैया, इसमें ध्यान देख, ए और बी के भी कुछ आना लड़के, देख इधर आर आर टू आर, टू आर और आर क्या हुआ, टू आर बाई थ्री, भूल गए क्या कि एक आर वन रेजिस्टेंस एक आर टू रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल हो तो ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों चीजों को जोड़ दो,
तो आर आर टू आर आर तो टू आर मल्टीप्लाई आर अपॉन टू आर प्लस आर, ये क्या बना टू आर बाई थ्री, क्या बना टू आर बाई थ्री, टू आर बाई थ्री, टू आर बाई थ्री, इसमें करंट नहीं बहेगी, ये टू आर बाई थ्री, टू आर बाई थ्री क्या हो गया फोर आर बाई थ्री, ये फोर आर बाई थ्री, ये फोर आर बाई थ्री, कौन से क्रम पैरेलल में आधा कर दे टू आर बाई थ्री। हमारे तो कहीं पेंसिल पेन से कैसे किसी बात की, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे चल पूछ, यहां देख प्रतिरोध का मान 9 ओम है, एमीटर का पाठ्यांक क्या है, प्रत्यय का 9 है क्या, तो देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कितनी बार आया 9 बार, तो पंडा में क्या हो गया 1 ओम, तो करंट क्या चली यहां से 9 एम्पियर, एक इधर 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 पूरे सारे मिलके इसमें से आ गई 1 2 3 4 5 एम्पियर। ध्यान देख रहा वापस से, नो 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 कितनी बार आया 9 बार, कितना ओम है 9 कितना 1 ओम, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बटे आर, वी कितना है 9, धारा 9 चली, अब 9 के सामने 9 बराबर बुझाए हैं तो सब में बराबर बराबर डिवाइड, अब एक 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 पांच और ये पांच मिलके इधर से एक साथ आएंगे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। आगे चलो भैया, ये देख के तो लाडला पूछना पड़ा, ये याद रख प्रिय प्रश्न है, क्या कहता है वोल्ट मीटर का पाठांक ध्यान से बता, इसका पेज खाली कर, मैं इसको पढ़ाने से पहले एक बार फिर बता दूं आपको चीज, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, इनके टर्मिनल वी वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यदि मैं कहता हूं यहां 16 वोल्ट है, इसका पाठांक माना 4 वोल्ट है, तो बी का मतलब 12 वोल्ट है, ए और बी के बीच में कोई वोल्ट मीटर लगा देता हूं और उसकी रीडिंग 4 वोल्ट आती है, इसका मतलब है ए से बी तक जाते जाते 4 वोल्ट की कमी हो जाती है, ये 16 था तो 12 हो गया, इसी को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, इसी को विभव पतन कहते हैं, एक बात ये तो बात करते हैं आगे चल। अब जरा बात सुन पुत्र, इसको भूल जाए एक बार, ये 4 और 16 20 20 4 और 16 20 तो करंट एक एम्पीयर इधर जाएगी और एक एम्पीयर इधर जाएगी, बोला है ना, इस बिंदु को तू ए कह दे, इस बिंदु को पी कह दे, इसको तू क्यू कह दे, अब तू ए से पी तक जा रहा है, माना कि ए पर वी वोल्ट है, तो 1 से 4 तो तेरा जो वीपी है वो क्या आ गया वी माइनस 4 आ गया, बोला है ना, माना इस बिंदु पर वी वोल्ट है, यहां से यहां तक आई आर कितना हुआ 4, कमी किसकी हुई 4 की, तो वीपी क्या हो गया वी माइनस 4, ऐसे तू वी क्यू देख, वी क्यू क्या है यहां वी है यहां 1 16 है, तो इतना वी माइनस 16 हो गया, तो तेरा वीपी माइनस वी क्यू क्या हो गया वी माइनस 4 माइनस वी प्लस 16, आंसर क्या आ गया 12। रियल सर्किट तो ये है, कोई पेन चलता ही नहीं है, सीरीज में करंट इक्वल होती है, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, सामने दो करंट आ गए, दो रास्ते आ गए, करंट को डिवाइड कर दो, उसी सीधी बात ही है बस, तय। और वी ए माइनस वी बी का मतलब है ए से बी तक पहुंचने में विभव का नुकसान, ड्रॉप पतक, आगे चल पुत्र, ये अपना किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का नियम आप सब जानते हो, ए कितना है 70 वोल्ट है, बी कितना है 0 वोल्ट है, सी कितना है 10 वोल्ट है, अब वो पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा होगा हमें नहीं पता कौन है यार, हम तो कहते हैं सारी करंट अंदर आ रही है, हमें नहीं पता वी क्या है, ठीक है, हम तो इतना जानते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या होता है 0। अब देखो यहां करंट यहां से यहां जा रही है, उसको क्या लिखा है 70 माइनस वी अपॉन 10 प्लस 0 माइनस वी अपॉन 20 प्लस 10 माइनस वी अपॉन 30 इक्वल टू क्या है 0, बोल है यार कोई गड़बड़ भाई, ये पॉइंट है जंक्शन पॉइंट है, ये भी करंट आ रही, हमें नहीं पता आ रही जा रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, अब तो कहते सब ऑफ करंट क्या कर दिया 0, हाई टू लो, इसको हाई टू ले रहा हूं क्योंकि मैं करंट को दिखा रहा हूं, हाई टू लो, हाई टू लो, बस पेज खाली करो भैया, अब तेरे सामने सामने इसमें तू क्या करेगा देख, 60 इसमें तू एलसीएम ले लो, एलसीएम ले ले, 6 आया तो कितना है 420 माइनस 6 वी प्लस 0
माइनस 3v 20 है ना, प्लस ये दो बार भाग गया तो 20 माइनस 2v इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, ये 420 में 20 जोड़ दे कितना हुआ 440 ये 6 और 3 ये 11 तो v इक्वल टू आ गया 40। आज अच्छा आ गया भैया, ये सब बिठा देता हूं और ये तेरा यहां पर क्या आ गया 40 वोल्ट आ गया। अब ये कितना है 70, ये कितना है 0, ये कितना है 10, तो 70 40, ये करंट तो जा रही है, ये करंट बाहर जा रही है, ये करंट बाहर जा रही है। AD 70 माइनस 40 30, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V बटे R, कितने की चली 3, ठीक है, इधर 40 से 20, 40 20 कितनी चली 2, ये चली 3, इसी बात तो इसका रेशियो क्या हो गया भाई 40 से 10 30 1 1 1 1 1 1 1 1, तो AD कितनी है 3 और DB कितनी है 2, ये तीनों बार दोनों बात लेके आराम से होता है, क्वेश्चन कोई दिक्कत ही नहीं है भाई आपको किरचॉफ का। अब इसमें करना क्या है उत्तर कि आप एक बार किरचॉफ को पढ़े बैठ के, वो बिल्कुल बेसिक किसी भी गाइड में किसी किताब लिखा होता है, हर टीचर पढ़ाता है, अब बच्चा वहां तो करता नहीं है बिना उसको पढ़े, कुछ बड़ी सी गाइड लाएंगे। मेडिकल के बच्चे जो IT गाइड पढ़ते हैं ना, वो एक हमारे हिंदी में कहावत है, छबे जी के चक्कर में दुबिज बन जाते हैं, ना उनको IT पर ले पड़ती ना उनसे मेडिकल होती, फिर वो ज्ञानी बन जाते हैं, दार्शनिक बन जाते हैं, ज्ञान देते हैं मिनट के बारे में लोग चल बात में। सिंपल सी कहानी है यार, NCERT पढ़ लो भैया, नीट में जाना है ना, यूनिवर्सल की गाइड पढ़ लो, उसके बाद कुछ नहीं आना है, कोई मेरी लिखी हुई नहीं है साहब, अगली क्वालिटी बोलना पड़ता है। आगे चलो भैया, फिर देख उत्तर ये क्या कह रहा है कि इसमें बहने वाली धारा बताओ, तो इसमें बहने वाली धारा बताओ, पेज खाली कर ले भाई, तो आप है, तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ एक बार, तो फिर पढ़ाऊंगा देख सको, तो ये मेरा प्रिय एग्जाम के प्रिय, मेरे प्रिय से मतलब एग्जाम प्रिय होता है भाई। दिखाना क्वेश्चन वापस, ये कितना है बता दे क्वेश्चन, 5 ओम 2 वोल्ट 2 ओम 2 वोल्ट 2 ओम, इसको मैं रिप्लेस करूंगा एक बैटरी से, उस बैटरी का इतना होगा पता है क्या, E1 R2 plus E2 R1 बटे R1 plus R2, तो तेरे सामने सामने क्या है, 2 × 4 2 × 4 4, E का मान क्या आ गया 2 और R कितना हो गया 2 2 1, तो ये पुत्र एक रिप्लेस होगी बैटरी ऐसे। अरे ये तेरे नहीं पढ़े पढ़े सुन ले, ये कितना है 2, ये कितना है 1, ये कितना है 5, E1 R2 plus E2 R1 बटे R1 plus R2 कितना 2 वोल्ट आ गया 2 2 कौन से क्रम में पैर, एक हो गया तो ये बैटरी है जो 2 वोल्ट की बैटरी और 1 ओम से रिप्लेस हो गई और अब तेरे सामने सामने है। आ जाए कुछ नहीं आ जा, क्या कहता है यहाँ कितनी करंट है, तो ये कितना होगा 2 वोल्ट 1 ओम 5 × 6 V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V / R, V का 2 बटे 6 1 बटा 3। किरचॉफ के लूप नहीं बनते हैं, एक बात सुन लो रहे, किरचॉफ के सेकंड नियम भी लूप है ना, वो हमें सीखने ही नहीं है, कि मेडिकल में उन पर क्वेश्चन आता ही नहीं आता, मेडिकल में क्वेश्चन आएगा तो ही आ जाएगा सर्किट रिप्लेस वाला, और हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बोर्ड भी पढ़ना हो सकता है, नहीं काम नहीं आते यहाँ पर। आगे चलो, ये बड़ा सोना क्वेश्चन है, 2 ओम में दोस्तों एक तार में कभी धारा नहीं मिलेगा, धारा बहने की पहली शर्त क्या, लूप का होना बंद होना चाहिए, लूप होना चाहिए, आंसर क्या हो गया ठीक मानो जीरो। आगे चल, ये एक पहला प्रश्न है, इसका आंसर फिक्स है √R1 R2, इसको करें करते हैं क्वेश्चन को, क्या कहता है, एक स्थिर विद्युत भाग बल का सेल है, कोई E सेल है, इसको पहले जोड़ा R1 से फिर जोड़ा R2 से, और दोनों स्थितियों में पावर क्या है समान है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का पेज खाली करते हैं। देखो पुत्रों, ये कोई सेल है तो सेल तो चेंज कर किया नहीं ना, तो यहां भी ई और यहां भी आर, करंट क्या चली I1 बोलना पड़ेगा, अगली बार क्या किया बोल सुखदेव पुत्र, E R R1 R2 R2 R E, ये करंट क्या है I2। इनके टर्मिनल्स पे पावर क्या है समान है, वो पावर क्या होती है I1 square R1, इसके पावर क्या होगी I2 square R2, वो दोनों पावर क्या है बराबर है। अब बता I1 क्या है,
आई वन है ई अपॉन आर वन, आर वन प्लस आर, और आई टू क्या है ई अपॉन आर टू प्लस आर, आर टू प्लस आर। अब मैं यहां आ जाऊं, व्हाट इज ई वन, तेरे सामने सामने क्या है, ई स्क्वायर आर वन प्लस आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आर वन इक्वल टू ई स्क्वायर आर टू प्लस आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या आएगा आर टू, कोई गड़बड़ नहीं, ई टू से ई टू काट दो, कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। अब मैं यही इसको मिटा लूं ताकि मेरे को दोबारा से इसको लिखना नहीं पड़े। तो तेरे सामने सामने क्या है, आर वन अपॉन आर वन प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है आर टू अपॉन आर टू प्लस आर का होल स्क्वायर। चल पुत्र पूरी बात ही करते बच्चे के लिए, ये क्या बचा आर वन स्क्वायर टू आर वन आर प्लस क्या है आर स्क्वायर, ये क्या तेरा आर टू, ये क्या है आर टू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर टू। बोल बोल बच्चों, आपके लिए कर रहे हैं केवल। अब देख इसको लेके जा, आर वन आर टू स्क्वायर आर टू स्क्वायर आर वन आर स्क्वायर, ये टू आर वन आर टू आर आ जा, ये तेरा आर टू आर वन स्क्वायर, ये टू आर वन आर टू आर प्लस आर टू आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, ठीक है डियर। और ये आर वन आर टू स्क्वायर, ये आर वन आर स्क्वायर, ये आर टू आर वन स्क्वायर, टू आर टू आर स्क्वायर। अब एक काम करो, आप क्या निकालना है, स्मॉल आर निकालना है। तो आप एक काम करें, इनको एक तरफ करें, एक तरफ करें, तो क्या बचा आर वन आर स्क्वायर प्लस आर टू आर स्क्वायर, उधर क्या नहीं माइनस जाएगा, माइनस 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 आर वन आर स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर आर टू आर, सही किया इसको इधर ला, ये क्या है आर टू आर वन स्क्वायर माइनस आर वन आर टू स्क्वायर, ओके डियर। ये आर स्क्वायर कॉमन ले, तो क्या बचा आर वन माइनस आर टू, यहां तो एक काम कर आर वन आर टू कॉमन ले, ये क्या बचा आर वन माइनस आर टू, ये क्या हो गया कैंसिल आउट। तो तेरे सामने आर स्क्वायर बराबर क्या आया आर वन आर टू, आर की वैल्यू क्या आई रूट आर वन आर टू। मैंने पूरा कर दिया, क्या टाइम वेस्ट कर दिया, अच्छी बात हुई है। चलो याद रखना है कि किसी एक बैटरी से आर वन जोड़े आर टू जोड़े शक्ति बराबर है, तो स्मॉल आर इक्वल टू आर वन आर टू का रूट, मैंने पूरा कर दिया, टाइम वेस्ट किया, अच्छी बात है, पर करना पड़ता है जरूरी कई बार। चलो आगे, अब अपनी कहानी चेंज हो रही है भाई। अब हम आ रहे हैं गैल्वेनोमीटर से, एमीटर कैसे बनता है और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनता है, पेज खाली कर भगवान बेटा, इसको पूरा समझाएंगे। सबसे पहले दोस्तों गैल्वेनोमीटर से एमीटर और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर, सुन लो भैया, आइडल एमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, आइडल वोल्टमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस अनंत होता है। लेकिन अपन जानते ना तो कोई चीज जीरो हो सकती है ना कोई अनंत हो सकती, तो एमीटर का मतलब वो एमीटर अच्छा होता है जिसका रेजिस्टेंस कम से कम अच्छा श्रेष्ठ कह सकते हैं उसको, और वोल्टमीटर श्रेष्ठ कौन होता है जिसका मैक्सिमम हो जाता। अब तेरे को जोड़ना है कुछ, जोड़ के गठे तो कौन से क्रम में होता है श्रेणी क्रम में। देखो डियर, ये माना कि आपका कोई जी है, इसके सीरीज में आप पैरेलल में बिल्कुल सही, थैंक यू, इसके पैरेलल शंट जोड़ दो, तो लो जी ये आपका हो गया जी टू। अब माना कि यहाँ को करंट आई है, तो इसका एक हिस्सा करंट का इधर जाएगा आई जी, इधर कितना बच जाएगा आई माइनस आई जी। अब आपके जी और एस कौन से क्रम में है पैरेलल क्रम में, थोड़ा सा बच्चे की सुविधा ऐसे कर दूं मैं, ये कौन है जी जी, ये कौन है एस, यहाँ करंट है आई, यहाँ क्या है आई जी, और यहाँ क्या है आई माइनस आई जी। तो दोस्तों रियल फॉर्मूला ये है आई जी गुणा जी कोष्टक में आई माइनस आई जी गुणा एस, बस इतना ही है मूल कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं संट का मतलब समांतर क्रम में होता है। अब सपोज करो कि ये 100 का है एक का है, तो 100 और 100 ओम है, उसके साथ एक ओम जोड़ दोगे ना तो रेजिस्टेंस एक से भी कम हो जाता है, भूल गए क्या, श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस का मान बड़े से भी बड़ा हो जाता है, पैरेलल में परिणामी का मान छोटे से भी छोटा छोटा हो जाता है। तो ये आपके सामने एक कहानी आई,
मैं इसको समझा दूं आपको, पेज खाली करना। जैसे सपोज करो ये मेरा 100 है और ये मेरा 1 है, तो परिणामी क्या आएगा 101। बड़े से बड़ा हो गया। लेकिन मैं पैरेलल की बात करूं, ये पुत्र सपोज कर 100 है, ये 1 है, तो परिणामी तेरा क्या होगा 100 मल्टीप्लाई 1 बटे 100 प्लस 1, ये तेरा 100 बटा 101 हो गया। तो तेरे को पता है ये 1 से भी छोटा हो गया, छोटा हो गया। आर तेरा 1 से भी, आर 1 से भी छोटा छोटा हो गया। यानी श्रेणी क्रम में परिणामी प्रतिरोध बड़े से भी बड़ा हो जाता है, समांतर क्रम में लिटिल रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा हो जाता है। ओके डियर, तो वो हमारी बात होगी कि उस तरह से यदि हम इस जी के तो पूरा समझा दें, कैमरा चल रहा कोई दिक्कत नहीं, इसके भी एस जोड़ देते हैं, तो यहां से कोई करंट आई चली, इधर कौन जाएगा आई जी, इधर कौन जाएगी आई माइनस आई जी, तो तेरे सामने आई जी मल्टीप्लाई जी इक्वल टू आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई एस। आई जी का नाम होगा हमेशा फुल स्केल डिफ्लेक्शन, गांठ मान लो, जब जब आएगा पूर्ण स्केल विक्षेप दे दिया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है आई जी अभी जी, वहां भी जी हो जाएगा, किसमें वोल्टमीटर में, यहां कौन हो जाएगा आई जी हो जाएगा। ये कौन हो गया जी टू ए। अब तेरे को जी से वी बनाना है, तो भैया जी से वी बनाने के लिए वी कौन होता है जिसका प्रतिरोध ज्यादा हो, ज्यादा कब होगा जब आप इसके कुछ श्रेणी क्रम में आर जोड़ दो, ये माना कि आपकी वी वोल्ट की बैटरी लोग बोला ना बिल्कुल। तो किसी गैल्वेनोमीटर के स्पैरल में कोई हाई रेजिस्टेंस जोड़ दो तो क्या बन जाएगा वोल्टमीटर। अब तेरे सामने यहां करंट क्या चली आई, तो यहां क्या डेवलप हुआ आई जी, यहां क्या डेवलप हुआ आई आर, तो किसके बराबर है V के बराबर है। तो व्हाट इज V आई जी प्लस आई आर, और इस I के साथ क्या लगाना पड़ेगा आई जी, जी कहां वैल्यू है गैल्वेनोमीटर में, तो आई जी मल्टीप्लाई जी प्लस आई जी मल्टीप्लाई आर। तो दोस्तों V इक्वल टू, इसको थोड़ा सा मैं R के फॉर्म में ले लू, तो R की वैल्यू आएगी V अपॉन आई जी माइनस जी जी। लेकिन ये फॉर्मूले कई क्या करते हैं बेटे, फॉर्मूला कर लेते हैं जी जी है, वो ये वोल्टेज है, वो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप, वो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप, दोनों वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल हो गए। इसके साथ में जी क्यों लगाया आई के साथ, क्योंकि वही बात करंट कहां से बह रही है गैल्वेनोमीटर से, इसे क्या बोल देंगे इसको आई जी बोल देंगे। तो ये गैल्वेनोमीटर से एमीटर हो गया और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर हो गया। अब आप मेरे हिसाब से पूरी बात होगी, अब आप क्वेश्चन में आ जाओ, पीछे बैठ पीछे क्वेश्चन में, अब देख उत्तर प्रश्न पढ़ो क्या कहता है। वो कहता है गैल्वेनोमीटर की कोयल का प्रतिरोध कितना है 60 ओम है, ए जी इक्वल टू कितना है 60। ये 1 एम्पीयर धारा के लिए पूर्ण स्केल फुल स्केल डिफ्लेक्शन आई जी कितना हो गया 1 एम्पीयर। साफ कहता है, देखो साफ कहता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन वेन ए करंट इज 1 एम्पीयर। अब आगे देख, इसे 5 एम्पीयर के एमीटर में चेंज करना है, तो रेंज पिक आई का मान क्या करना है 5 एम्पीयर करना है, तो बताओ क्या करें। कॉमन सेंस की बात है कि कोई आर की वैल्यू निकालेंगे, एस की वैल्यू निकालेंगे, एस निकालेंगे और वो कहां जुड़ेगा पैरेलल, कॉमन सेंस की बात। तो एस कितना था जरा बोलना, एस कितना था, तो याद कर आई जी मल्टीप्लाई जी इक्वल टू आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई एस। पेश कर दिया हुआ ना, बोलो बोलिए व्हाट इज आई जी 1, व्हाट इज जी 60, व्हाट इज आई 5, 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई एस, ये 60 इक्वल टू 4s, तो s इक्वल टू क्या आ गया 15 ओम, 15 4 7 कहां जुड़ेगा पैरेलल, ये कहने की बात ही नहीं। आ जाए क्वेश्चन वाला भैया, तो 15 ओम ढूंढ ढूंढ पढ़ाओ ढूंढ, ये रहा बोलो हां नीट बात है क्या हो। लेकिन आपको जी से ए और जी से भी पूरा समझ में आना चाहिए। चलो भैया 60 मार जाओ, ये यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो बच्चों ये ब्रिज का क्वेश्चन है, ये ब्रिज बैलेंस है, तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं बहती है, और यहां भी ये कह रहा है कि नीचे गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप है, यहां नल पॉइंट डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर बैलेंस है। इसको P कह दो, इसको Q कह दो, इसको R कह दो, इसको S कह दो, तो फॉर्मूला होता है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। सुन भाई इसको इसको अपन एक काम कर, ये P है, ये R है, ये Q है, ये S है,
पुलहैन। अब तेरे सामने सामने कोई बात नहीं, अरे एक ही बात है, पी अपॉन आर बोल का भी पड़ता है। अब देख दिए, अगला कहता है कि सोन ने फिगर बिलो ने मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज का मतलब मीटर सेतु से किसी बात है। ये कहता है कि आर का मान बताओ। देखो दोस्तों, कुल लंबाई कितनी है 100 मीटर, कहने की बात ही नहीं है। तो इधर कितनी है 20, तो ये आप ये मान लो कि 20 ओम है, तो ये इधर वाला कितना होगा 80 ओम माना यूनिट लेंथ की लंबाई है। अब अपन जानते हैं यार कि 55 जो है वो 20 से वेरियंस है, तो ये इसका 4 गुना है, तो इसके गुना होगा 4 गुना से वेरियंस होगा 220 आंसर आएगा। पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, मेरे साथ जो ईमानदारी से 55 का 55 अपॉन 20 इक्वल टू आर अपॉन 80 से किसी बात। पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, कुछ नहीं है, मीटर ब्रिज पोस्ट ऑफ बॉक्स जो है वही है। पी अपॉन क्यू इक्वल टू मीटर ब्रिज बोल, व्हीटस्टोन ब्रिज बोल सर, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना उसके ये एप्लीकेशन है। आगे चल, फिर तेरी वही बात आगे देख। ये क्या कहता है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 50 जी क्यू रिक्ट है पुत्र 50 ओम है। फुल स्केल फ्लक्स ऑफ करंट 1 मिली एम्पीयर आईजी कितना बोल 1 मिली एम्पीयर है। अब वो कहता है एक बार तो मैंने यहां जोड़ा, एक बार मैं यहां जोड़ा, मैं यहां जोड़ूंगा तो यहां से यहां बी का मान क्या 1 वोल्ट और यहां से कितना आ गया 10 वोल्ट बस। तो आर आर ड्यूल निकालनी मेरे को, इतना करना मेरे को, तो कैसे करेंगे बताओ। यहां पर अपने पास आई डायरेक्ट है, yes. इस तरह रेजिस्टेंस अपने पास है जी हो गया जी, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं आई इंटू जी प्लस आर वन इक्वल टू कुछ आई आर हो गया इक्वल टू अपन वन लिखेंगे वन यस, और फिर उसके बाद आई वो आई में रहेगी आई रहेगी जी प्लस आर टू इक्वल टू 50 10 प्लस आर टू इक्वल टू 10 बस ध्यान ना, जब इसको जोड़ेंगे तो दोनों रहेंगे, ये एक गारंटी होगी, इसमें गलती करते बच्चे गारंटी होता है। अब एक से दो को डिवाइड कर दो, आई से आई कैंसिल आउट, तो मैं तेरी बाप का ब्रह्म पुत्र, जी कितना है 50 प्लस आर वन, नीचे क्या है जी 50 प्लस आर वन प्लस आर टू इक्वल टू क्या करेगा 1/10 ठीक है डियर। अब देख ये कितना है 500 प्लस 10 आर वन 50 प्लस आर वन प्लस आर टू ठीक है जी। आगे चले, अब यहां से अपन आई की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके फिर उसके बाद पहले आर वन निकाल लेंगे अपन, वो कर सकते हैं अपन, इसको इस तरह से नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल, हम वीडियो बंद नहीं करेंगे, हम वापस स्टार्ट करेंगे सेशन को। देखो डियर यहां से करंट चली आई जी, अपने आप अपन हाथ पांव रुके रहे, आर वन आर टू दोनों डेटा होंगे। अब अपन जानते हैं यहां से चल रहा आई जी, ऐसे करने से जोड़ देना, तो तेरे सामने पहले मान यही जुड़ा हुआ है ये, तो यहां घुमा ये कितना है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इक्वल टू क्या है आई जी जी प्लस आर वन, आई जी कितना है 1 मिली एम्पीयर, तो 1 मिली एम्पीयर इधर नीचे लिया 10^-3 इक्वल टू जी प्लस सॉरी जी नहीं 50 प्लस आर वन, ये तेरा 1000 हो गया, तो आर वन की वैल्यू आ गई 950 ये तेरा कितना है 1000 प्लस क्या है आर टू, ये कितना होगा उसकी पावर 4 10000 का कितना बच गया 9000। देखो हमने वीडियो ऑन कर सकते थे लेकिन इस चालू इसने रखा है, आपको ये पता होना चाहिए कि गलती जो हमसे हुई आपसे भी, अभी हम जब वीडियो शूट कर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं उसके बाद गलती हुई हमारे से, कहने का मतलब गलती होना को लेकर आप दिमाग खराब नहीं करें, इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं, प्रैक्टिस करते जाओ गलतियां कम होती जाएंगी, होती जाएगी वो सुधरती जाएंगी। आगे चलो, ये अपना लाडला प्रश्न है। देखो दोस्तों ये है रियल क्वेश्चन, इस संडो जो स्पष्ट कहता है वी हैव ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम, इट इज सेंटर्ड बाय डाई, सुन भाई ओ भाई सुन सुन सुन
मैं जब इस क्लास में पढ़ाऊंगा तो इससे अच्छा मेरे पास कुछ नहीं हो सकता। एक या देख जी कितना है बोलना पुत्र, 25। ये कितना है 2.5। अब वो कहता पार्ट ऑफ द टोटल करंट फ्लो थ्रू द कैलोमीटर ट्यून, वो कहता कुल धारा का कितना भाग। दोस्तों माना कि यहां करंट है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर में ये 25 और 2.5, ठीक है, 10 एम्पियर है तो 25 और 2.5 के रेशियो में डिवाइड करना है इसको, ये तो बात हुई। तो अपन इसको बिना पेंच लाए कैसे कर सकते हैं जरा बताना। इसमें से अपन कुछ करंट इसके अंदर से गुजार देंगे सर, वो करंट हो जाएगी जिससे मान के इसलिए करते हैं ना, पहले चलना चाहिए तभी तो वीडियो सॉल्व है। बिल्कुल अपन जो बात कॉमन सीधी सी, इसको आई ले लो ना, मैं दूसरी बात बोलो, जितना भी इसका है उतना ही भी इसका है, तो जब आर 10 गुना ज्यादा है तो आई 10 गुना कम हो जाएगी। यदि इधर करंट 1 एम्पियर है, इधर करंट 10 एम्पियर है, तो इसको फिर अपन 10 नहीं कह सकते, 11 एम्पियर कहेंगे, 1:10। तो कुल धारा का कितना भाग धारा मापी में से प्रवाहित होगा, कुल धारा का कितना भाग, कुल धारा 11 है, 11 है वो बोल अपना जोड़ हो गया, कितना भाग कहां से प्रवाहित होगा धारा मापी से, आंसर क्या 1/11। पेन चला दे और यही मतलब हम दोनों बैठे बात कर रहे थे वो सब बिना पेन से कैसे करें इसको, क्यों तो भाई यहां का भी यहां का भी बराबर है, तो जब आर 10 गुना ज्यादा है तो करंट 10 गुना कम हो जाएगी, तो माना 1 है तो 10 10 1 11 1/11। और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। आगे चले पुत्र 63 ले आ जा, एक धारा माप 1 किलोमीटर है, जो रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम, मैक्सिमम 0.01 करंट कैन बी पास, वही बात आई जी, मैक्सिमम मतलब पूर्ण विक्षेप आई जी, इन ऑर्डर टू चेंज इनटू एमिटर रेंज 10 एम्पीयर द सन, वही बात या तेरे सामने सामने है, ए आई जी मल्टीप्लाई जी इक्वल टू आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई एस एस, ओके आई जी कितना बोलता पुत्र 0.01, जी कितना है 25, आ जा आई निकालना, तेरे को आई निकालना है, आई निकालो ना, ना 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 दे दिया दे दिया क्या कितना है 10, 10 में से अपन 0.01 कर देंगे तो 9.99 पूरी बात कर ले पुत्र, एस कितना है निकालना, क्यों बस अब तेरे सामने है ये क्या है 0.25, ये क्या है 9.99 इक्वल टू क्या होगा एस, तो अब इसको तू गुणा भाग कर देगा 25/299 आ गया, ले लेंगे इसके, ठीक है थैंक यू, ये तो कर दे हम जब कर रहे थे तो जगह बहुत से डाल रहे किसी ने मेरा यहाँ पे बॉस अपने को जैसे 12 रेजिस्टेंस दे रखे हैं क्यों बन गया क्यों हाँ क्यों बन गया, तो इस पॉइंट को अपन जैसे मान ए बोल देते हैं सर, इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं बी बोल देते हैं यस सर, अगर यहाँ पे खड़े होकर मैं इसको बोल देता हूँ पी बोल देता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को इसको भी पी बोलना पड़ेगा यस, और इसको भी मेरे को पी बोलना पड़ेगा सही है, तो ये बन जाएगा अपने पास है क्यू, ये अपने पास है क्यू बन जाएगा और ये भी अपने पास है क्यू बन जाएगा। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ए पी ए पी ए पी तीन बार आ गए, ए और पी के बीच में 3 जुड़े हुए, बी क्यू बी क्यू बी क्यू 3 जुड़े हुए, इनके बीच में 3 जुड़े हैं 6 हो गए और 6 बच के पीछे फिर 6 बच के वो पी और क्यू के बीच में 6 जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से 3 1 2 3 ही हो गए, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 जोड़ने मेरे को, और फिर उसके बाद 3 जोड़ने, बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, आर 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 6 बार, तो आर बाई 3 आर बाई 6 आर बाई 3 तो 5 आर बाई 6 रहेगा डायरेक्ट, करना होता है हमने किस रिश्ते कराया था कि आपके पल्ले पड़ जाए, नहीं तो सीधा है एक घन के क्यूब के दोनों कोनों पे आर कितना होता है, एक बात होता कैपेसिटर होता तो उल्टा हो जाता है इसका, उल्टा हो जाता है जो 5 आर बाई 6 है वो 6 सी बाई 5 हो जाएगा, बिल्कुल फिर कैपेसिटर होता तो इसको सी 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 3 सी 6 सी 3 सी करते, इसलिए हम जानबूझ के बात को छेड़ रहे हैं, ये याद रखना अपने को कि किसी क्यूब के दो अपोजिट कोनों के बीच 5/6 आर और कैपेसिटर में जुड़े हो तो 6c/5 हो जाएगा, क्यों ये करता रहे पढ़ते थैंक यू। तो डियर आगे चले, ये आपको पता है नीट की प्रॉब्लम है, अगला क्या कह रहा है पुत्र में कि 3 डायग्राम है, इनमें R1 R2 R3 3 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिए, R1 R2 के दे दिए, बताओ P1 P2 क्या है, तो पेज खाली करना, देखो डियर पावर की बात जब आती है ना तो पावर का फॉर्मूला होता है एक होता P = I² R,
एक होता है पी इक्वल टू बी आई और एक होता है पी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर। जब कुछ नहीं कहते इसको काम लेते हैं अपन, क्योंकि अपन जानते हैं पूरे देश में हर घर की सप्लाई कितनी होगी 220 वोल्ट। तेरे घर में एसी है तो भी सप्लाई 220 वोल्ट की है और 0 वाट का बल्ब तो सप्लाई 220 वोल्ट की है। क्यों? कि फिटिंग कौन से क्रम में होती है? पैरेलल क्रम में होती है। याद है ना हमारे घर की फिटिंग कौन से क्रम में होती है? पैरेलल क्रम में। एक बात बोलूं ना, फ्यूज कहां लगा होता है? सीरीज में। सीरीज घर की फिटिंग में फ्यूज लगता है सीरीज में, श्रेणी क्रम में। घर की फिटिंग है पैरेलल क्रम में। तो घर पे जो एसी लगा चाहे 0 वोल्ट बल्ब लगा, सप्लाई 220 वोल्ट जाएगी। तो 220 वोल्ट को बैलेंस करने तो पावर पुल लगाते हैं आपको, फ्रिज के पीछे एसी के पीछे पावर पुल लगा होता है। तो पावर पुल क्या करता है? उसको सेट कर देता है। तो कहने का मतलब है कि P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R है। कुछ नहीं कहता अगला, तो P दोस्तों R के इनवर्स होता है, यानी जहां R कम वहां P ज्यादा। ज्यादा वाट का बल्ब है उसका तंतुकार कम है, और कम वाट का बल्ब है तो उसके तंतु का प्रतिरोध ज्यादा है। एक बात मैं लगे आपको और कह देता हूं दोस्त, तेरे कोर्स में 3 संयोजन है, केपीसी स्प्रिंग का के, बल्ब का पी, कैपेसिटर का सी, कुंडली का एल और रेजिस्टेंस का आर। केपीसी एक तरफ है, लल्लूराम एक तरफ है, ये आर के उल्टे होते हैं, यानी बल्ब जुड़े सीरीज में तो रूल काम आएगा पैरेलल। जैसे 30-30 वाट के 3 बल्ब जुड़े श्रेणी क्रम में तो प्रणय पी क्या होगी? 10। और 30-30 वाट के 3 बल्ब जुड़े पैरेलल क्रम में उठा होगा 90। इसीलिए घर में समांतर क्रम में जितने बल्ब जोड़ते जाओ उतनी रोशनी ज्यादा आती है। बस ज्यादा केपीसी स्प्रिंग का के, बल्ब का पी, कैपेसिटर की सी, कोइल का एल, रेजिस्टेंस का आर, ये तीनों एक तरफ है। ये और अपना ओपन चैलेंज है नीट के सिलेबस, छठा कुछ ही नहीं। हाँ ही नहीं साहब, बिल्कुल खुला है वो तो, व्हाट्सएप करना मेरे को, कब आ जाओ। अब देख लिए इसमें आर निकाल ले, तो देख ये कितना है, 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 आधा 5। यहाँ तो कुछ है ही नहीं क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया ना, पूरी करंट यहाँ से बहेगी, तो यहाँ आर का मान क्या है? 1 हो जाएगा। एक हो जाएगा। यहाँ देख ये बैलेंस ब्रिज है, कितना हो गया? 1 हो। तो R1 R3 बराबर है और R2 सबसे कम है, तो P2 सबसे ज्यादा है और P1 P3 बराबर है। मैं इस पे एक बात करना चाहूंगा, पेज खाली करना भाई, इस पे एक बात करना चाहूंगा। बच्चों जरा बताना इसका आंसर क्या है? ये 5 और 1 5। अक्सर बच्चे क्या कहेंगे? 10। 10 नहीं है भाई, इसका आंसर 5 ही है। यहां से करंट चली, अब इस करंट के सामने 2 रास्ते हैं, एक रास्ते में प्रतिरोध है, एक में नहीं है, तो सारी करंट यहां से जाएगी, यहां कोई करंट नहीं जाएगी। जिसमें करंट नहीं जाती वो काउंट नहीं होता है। इसलिए बेटा इसका आंसर है 5। ये गलती मत करना। चल क्वेश्चन आ, वापस फिर वही क्वेश्चन आ गया भाई। ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है, इसको करेंगे अपन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्या कहता है? 2 सेल है जिनका EMF समान है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जोड़ दिया और R1 R2 से बड़ा है। ये R1 है और ये R2 है, ये भी तेरा E है, ये भी तेरा E है। इसको कैपिटल R के साथ जोड़ते हैं, कैपिटल R के साथ जोड़ दिया। अब वो कहता प्रथम सेल के सिरों पे पोटेंशियल क्या है? 0 है। दोनों बैटरी दोस्तों जुड़ी है सीरीज में, तो दोनों बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज। तो इसकी जो सबसे पहले करंट निकालेगा तू, करंट आएगी फिर 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। ये करंट यहां बहेगी, उत्तर ध्यान दे पास बहेगी, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0। पेज खाली कर भैया। तो तेरे सामने सामने V की वैल्यू क्या है? 0। E तेरा E है, माइनस I बोल पूर्ण उत्तर 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई R1। ओके अब ये बराबर है ना, तो ये तेरा इधर लिया, तो E इक्वल टू 2E R1 R प्लस R1 प्लस R2। E से कैसे सॉल्व कर दे? ये तेरा R प्लस R1 प्लस R2 क्या है? 2R1।
तो आर इक्वल टू आर वन माइनस आर टू आ जाएगा। आ जा भैया आर वन माइनस आर टू। एक बात पढ़े पढ़े सुनते हो, हार्ड फिजिक्स नहीं है, हार्ड लैंग्वेज होती है, बच्चे पढ़ते नहीं लैंग्वेज। भाई आप लैंग्वेज पढ़ना सीखो, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है, आजकल के बच्चे कॉपी पेन हाथ लेते नहीं है, कॉपी पेन लेकर शुरू कर लो जैसे कहता वैसे करते हैं। एग्जाम में कई बार जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जिसकी लैंग्वेज बहुत लंबी होती है लेकिन बहुत इजी होता है, उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है। आगे से पुत्र ये देख, ये है बहुत बड़ा क्वेश्चन, सर्किट का साइज इससे क्वेश्चन नहीं हो सकता, ध्यान से पढ़ लो। ये अब तक जो हमने क्वेश्चन कराया है ना उनका बेस्ट है। प्लीज पानी पी ले एक बार। आ देख वो कहता है कि कैपेसिटर क्या है, स्टेबल है, इसका मतलब है कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, अब उसमें कोई करंट नहीं है, नहीं है तो इसका कोई रोल नहीं है। तो अपन एक काम करें पुत्र, अपन ऐसा बना ले ये आर टू आर टू आर वी वी और टू वी बोल है। अब ये टू वी वी तो विरोध कर रहे हैं दूसरे का, तो क्या बचेगा वी वी इक्वल टू आई मल्टीप्लाई क्या है थ्री आर, तो आई इक्वल टू वी बाई थ्री आर। थ्री आर कहां से करंट बहेगी, यहां से। क्या करंट बह रही है वी अपॉन थ्री आर, ये तो कह रहा है। अब वो कहता है कैपेसिटर जो है इसके सिरों पे कुल कितना हो, ये बैटरी तेरी क्या हो रही है डिस्चार्ज, तो दोस्त इस बैटरी को डिस्चार्ज हो रहा है तो इसको तो 2V माइनस 2R मल्टीप्लाई V अपॉन 3R करना पड़ेगा। तो तेरे सामने सामने पुत्र 2V R से R काट दे माइनस 2V बाई 3, ये क्या बच गया तेरा 4V बाई 3। रटा मत मार, ये बैटरी तेरी चार्ज हो रही है, ये खाली करना रहा, ये बैटरी चार्ज वापस आ, ये बैटरी तेरी चार्ज हो रही है, कलर चेंज कर लूं मैं, ये बैटरी चार्ज हो रही है तो यहां पर वी प्लस आई आर, वी प्लस आई आर, तो वी आई बोले तो वी बाई थ्री आर, आर आर कैंसिल, वो देख रहे वापस के आ गया फोर वी बाई। कहने का मतलब ये है कि यहां भी फोर वी बाई थ्री, ध्यान दे यहां भी फोर वी बाई थ्री, यहां भी फोर वी बाई थ्री, यहां भी फोर ए मिटाऊ, यहां भी फोर वी बाई थ्री, यहां भी फोर वी बाई थ्री, यहां भी फोर वी बाई थ्री, तो यहां कुल कितना है 4V by 3। अब 4V by 3 में V यहां चला गया तो पीछे क्या बच गया भैया V by 3। V by 3 इसी बात है यार, ये है क्वेश्चन, एक बार फिर देख लेना दोबारा से पोस्ट करके, ठीक है आगे चलो। P और Q के बीच का देखो दोस्तों करंट चले यहां से, ये करंट इधर गई इधर गई इधर गई, यहां करंट नहीं जाएगी यहां करंट नहीं जाएगी, इधर गई इधर गई इधर गई इधर गई, R R 2R R R 2R 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 कितने बार आया 3 बार, this is 2R by 3 2 by 3, R का मान क्या है 3 by 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 1। देखो विच टू विच बैलेंस विच, आगे चले भैया देख भाई सुखदेव बाबू इसमें अपन थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़े अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कहता है एक वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस 1000 ओम, इसका 1000 ओम प्रतिरोध है, जबकि रियल कितना होता है अनंत होता है। अब वो कहता है इसके पहले जोड़ दिया तो कहता व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, इसकी रीडिंग क्या है। एक बार जरा पेज खाली करना, ये ऐसा क्वेश्चन है मैं पूरा बनाऊंगा बच्चे के लिए। ये कितना भैया 500, ये कितना है 500, ये कितना है 10 वोल्ट, तो सिंपल सी बात है 5 वोल्ट 5 वोल्ट आ जाता है, बराबर आधा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये इसने क्या किया, इसने इसके सिरों पे ये 500 ओम और ये 1000 ओम का एक जोड़ दिया, ये अभी तरह कितना है 500 ओम है, ये कितने वोल्ट का है 10 वोल्ट का है। अब वो कहता है कि इसकी रीडिंग क्या है, इसकी रीडिंग का मतलब ये पुत्र है कि यहां पर टोटल वी कितना है, ये तो बात है। अब ये इसका क्या रिजल्ट है 1000 मल्टीप्लाई 500/1500 R इक्वल टू 1000/3। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है पुत्र कितना वोल्ट है 10 वोल्ट, ये तेरा 1000/3 है, ये तेरा 500 है, यहां तेरा V1 है, यहां तेरा V2 है, V इक्वल टू क्या होता है
आई क्या रहेगा समान, तो वी है वो आर के रेशियो में चेंज हो जाएगा बस। तो तेरा वी वन अपॉन वी टू आर वन बाई आर टू, आर वन क्या है 1000/3, आर टू क्या है 500, ये तेरा एक, ये तेरा दो, ये तेरा 2:3, 10 को 2:3 में डिवाइड करके क्या हो गया 4/6। अब तू खुद कह रहा है v इक्वल टू आई आर, आई समान है, जहां आर ज्यादा है वहां भी ज्यादा है, क्वेश्चन में आ जा भैया, तो कॉमन सेंस की बात है, ये आर ज्यादा है, आंसर क्या आ गया इसका 6 वोल्ट। ये तो बात भी मारी नहीं, पीछे पीछे 6 वोल्ट, सॉरी 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 गलत कर गए, इसका आर ज्यादा है, इसका आर ज्यादा है, यहां पर तो क्या आ गया 6 वोल्ट और यहां पर क्या आ गया 4 वोल्ट, पूछा क्या आ गया, कोई अपने हम इस पे रूल लगाते नहीं गए, हम तो सिंपली v इक्वल टू आई आर, हमने जितने क्वेश्चन किए हैं ना वो सारे v इक्वल टू आई आर देते हैं। आगे चलो भैया, बल्ब के सुन लो रे, बल्ब सीरीज में है तो रूल किसका लगेगा पैरेलल का, ये 200 200 कितने वाट है 400 वाट है, ये 400 वाट 400 वाट कितना वाट है 200 वाट है, तो आंसर क्या हो गया 200। केपीसी बल्ब की पावर का जोड़ प्रतिरोध के जोड़ का उल्टा होता है, प्रतिरोध 200 200 कितने होते 100 100 कितने होते 200, या 200 वाट कितना हो गया 400 400 कितना हो गया 200। पढ़ी पढ़ रही है, आगे चलो, एक रेल का डिब्बा है, तेरा बल्ब है, प्रत्येक 15 वोल्ट और इतने एम्पीयर करंट ले रहा है, तो प्रत्येक बल्ब में प्रति सेकंड वे उष्मा क्या होगी, उष्मा का फॉर्मूला क्या करोगे पुत्र, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ना आप इधर लो ना वी आई टी, क्या दिक्कत है, वी मेरे पास है, आई मेरे पास है, टी मेरे पास है, वी बोल कितना पुत्र 15, आई कितना है 2.1, टी कितना है 1 सेकेंड, तो इसको गुणा भाग कर दे 31.5 आ जाएगा, ये जूल है, कैलोरी में चाहिए 4.2 का भाग दे दे लगभग 8:32 और आ गए 7.5, ठीक है, मैंने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे को आई है, मेरे को आ गई नहीं, मेरे पास भी आई थी। आगे चल पुत्र, वो आगे देखे, पी शक्ति वाले एंड बल्ब है, उनको जोड़ा सीरीज में, तो रूल लगेगा पैरेलल का, पी अपॉन एन स्क्वायर, अभी बताया मैंने आपको पी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, यही कॉमन फॉर्मूला, जिसकी पावर ज्यादा उसका आर कम, यानी 100 वाट के 40 वाट के 60 वाट के बल्ब में सबसे कम आर किसका है 100 वाट, बस इसी बात, तो ये कहते हैं, तो तीन बल्ब है समान वोल्ट 120 से अंकित कर दिया 40 60, अच्छा कौन से क्रम जोड़ दिया इनको श्रेणी क्रम में, ये कॉमन सेंस की बात है, श्रेणी क्रम में कम वाट का बल्ब चमकता है, तो सबसे कौन चमकेगा B3, उसे कम सबसे ज्यादा कौन चमकेगा, सबसे ज्यादा चमकेगा B1, यस B1, B2, B3, ध्यान दो भाई, हमारे घर की फिटिंग है वो पैरेलल क्रम में होती है, इसलिए अधिक वाट का बल्ब अधिक लाइट देता है, पर श्रेणी क्रम में कर दो अधिक वाट का बल्ब है कम लाइट देगा, कॉमन सेंस की बात है, तो P इक्वल टू बीस का एक और याद करो, P इक्वल टू बीस का आर है, अब एक बच्चा कहता है कि साहब आपने ये ले लो, अरे भाई इसका मुझे नहीं पता होता है, पर ये मुझे पता है पूरे हिंदुस्तान का वी क्या है कॉन्स्टेंट है, कितना 220, इसलिए बोलते हैं बेटा इसको, आगे चलो छाड़ दो भैया, ये धारा का रासायनिक प्रभाव होता है, 96,500 कूलाम कहीं चार्ज है ना, तो तुलांकी भार के बराबर भार आएगा, गांठ मान ले 96,500 कहीं भी तूने यदि का चार्ज दे दिया, उसका जो होता है डिकम्पोजिशन उसमें इक्विवेलेंट वेट के बराबर पदार्थ जमा होगा, कॉपर का कितना होता है मोलर वेट 64, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 32, दिमाग लगाएगा छोड़ संकर, क्लियर, ये ले भैया आगे चल, ये फिर वो लाटा क्वेश्चन है, तू करा दे भाई क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलो हो जा शुरू, यहाँ पे अपने को बोला जा रहा है कि जो लंबाई है उसको अपन 10% से घटा दिया, घटा दिया, अपन जानते हैं कि वोल्टेज तो कांस्टेंट होते हैं, तो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन, बिल्कुल उत्तर सही है, यहाँ से अपने पास P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपने R आ जाएगा, सही है, अब अपन जानते हैं कि रेजिस्टेंस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, सही है, इक्वल टू रो एल बाय ए, सही है। एल को अपन ने 10% से क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया है, ठीक है ना। तो आर भी 10% से डिक्रीज हो जाएगा, और आर अगर 10% से डिक्रीज हो जाएगा तो इसको अपन क्या बोल देंगे, 0.9 बोल देंगे, और 1/0.9 ये अपने पास होता है 1.11 होता है, ठीक। तो 1 P' इक्वल टू हो जाएगा 1.11 × P हो जाएगा, तो 11% से बढ़ गया, 11% से बढ़ गया, तो ना ये आंसर सही है, सेट क्वेश्चन भाई 11% हो गए पूरे, थैंक यू। तो ये दोस्तों गुरुनीति का वीडियो नंबर 30 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं साहब, स्वीकारते हैं, ये अपलोड होना चाहिए था 21 जनवरी को, अपलोड हो रहा है 27 जनवरी को, और आज 27 को जो अपलोड होना है वो दोस्तों लोड हम आगे कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़े में दिक्कत हो रही थी, क्लास में बहुत दिक्कत आ रही थी, टॉपिक हमारे प्रिय हैं, शूट हमें ही करने हैं। ओके डियर, आज ये वीडियो देखो, कल आपको फिर देता नया वीडियो करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड पार्ट। थैंक यू, जय श्री।